Hello everyone, in this video we will create a program in which we will search a record in a binary file. Okay, तो हम इस वीडियो में एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम बाइनरी फाइल के अंदर रिकॉर्ड को सर्च करेंगे. ओके, सो लेट अस क्रिएट आवर प्रोग्राम हियर. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इम्पोर्ट करना है पिकल मॉड्यूल को. ओके, पिकल मॉड्यूल को हम इसलिए इंपोर्ट करते हैं जिससे हम उसके फंक्शंस को यूज़ कर सकें. पिकल मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको हम यूज़ कर सकें, लाइक लोड फंक्शन, डम फंक्शन, राइट. तो जो मेरा फर्स्ट फंक्शन जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ वो है राइट फंक्शन. राइट फंक्शन मैं इसलिए बना रही हूँ जिससे कि मैं क्या कर सकूँ, अपनी एक बाइनरी फाइल क्रिएट कर सकूँ, राइट. अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है मेरी बाइनरी फाइल तो मैं उसमें डेटा एंटर कर सकूं, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है तो वो क्रिएट हो जाए. फाइन, तो एफ यहाँ पे हमारा फाइल हैंडल है. ओपन करते हैं अपनी फाइल को. मैंने अपनी फाइल का नेम ले दिया माई फाइल, ओके, डॉट डेट. ओके, बिकॉज इसकी एक्सटेंशन डेट क्यों है, क्योंकि ये मेरी बाइनरी फाइल है. और हम अपनी बाइनरी फाइल को किस मोड में ओपन करेंगे, राइट मोड में ओपन करेंगे. अब देखो, माई फाइल अगर पहले से एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा, इसका डेटा, इसके अंदर जो न्यू डेटा आप इंसर्ट करोगे वो आ जाएगा, प्रीवियस डेटा इसका डिलीट हो जाएगा. ओके, और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये क्रिएट हो जाएगी. फाइन, नाउ अब हम क्या करेंगे, अपना लूप चलाएंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, वाइल ट्रू. तो वाइल ट्रू, ट्रू कब तक रहेगा, हमारा लूप कब तक चलेगा, जब तक कि आपका एंड ऑफ द फाइल नहीं आ जाता है. फाइन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रोल नंबर. रोल नंबर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूजर से डेटा एंटर करा रहे हैं और वो डेटा हम अपनी फाइल के अंदर राइट करवाएंगे. ओके, इनपुट एंटर रोल नंबर. फाइन, देखो यहाँ पे रोल नंबर को मैंने इंट में कन्वर्ट कर दिया है. देन नेम वेरिएबल, नेम वेरिएबल के अंदर हम इनपुट करा रहे हैं नेम. एंटर नेम, देन मार्क्स. इनपुट एंटर मार्क्स, ओके. नाउ अब इस डेटा को मैं क्या करती हूँ, जो यूजर से हमने डेटा लिया है रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, उसको हम एक लिस्ट के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करवा देते हैं. ठीक है, तो यहां पे मैंने आर नंबर एंड नेम एंड मार्क्स को कहाँ पे आपने स्टोर करा दिया, डेटा लिस्ट के अंदर आपने उसको स्टोर करा दिया है. फाइन, अब हम क्या करेंगे, इसको हम अपनी फाइल के अंदर जो भी डेटा हम यूजर से एंटर करा रहे हैं, पहले हमने उसको क्या कहाँ पे स्टोर करवाया, डेटा वेरिएबल में स्टोर करवाया, डेटा वेरिएबल में एज अ लिस्ट स्टोर करवाया. अब हम क्या कर रहे हैं, उसको अपनी फाइल के अंदर डंप कर रहे हैं, उसको राइट कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे डेटा को मैंने पास कर दिया डम फंक्शन के अंदर एंड फाइल हैंडल को पास कर दिया. फाइन, ओके. अब देखो मेरा लूप चलता रहेगा. ओके, लेकिन ये आपसे बार बार पूछे कि आपको डेटा एंटर करना है, जितने भी टाइम्स लूप चले, ओके, वो आपसे क्या करें, क्वेश्चन जो पूछे कि आपको डेटा एंटर करना है या नहीं, नेक्स्ट डेटा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया आंसर ans, ओके, और उसमें हम इनपुट करा देते हैं यूजर से वैल्यू Want to enter more records? Okay, yes or no? अब देखो अगर आपका आंसर क्या है, आंसर है आपका n, right? तो फिर क्या हो, आपका यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, ब्रेक दे देते हैं, बी आर ए के, आपका कंट्रोल क्या होगा, आपके फंक्शन से बाहर आ जाएगा. ठीक है, एंड देन यहाँ पे इन द एंड हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को कॉल करा लेते हैं, राइट फंक्शन को. ओके, अब डेटा राइट करने के बाद अगर आप लिखना चाहते हो तो आप एक प्रिंट कमांड दे दो. रिकॉर्ड्स रिटन फाइल, ओके. देन अब देखो
डेटा हम राइट कर चुके हैं, अब उस डेटा को क्या करेंगे, रीड करेंगे, क्योंकि आप बाइनरी फाइल को अगर ओपन करोगे तो उसके अंदर आप डेटा को रीड नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे हम रीड फंक्शन बनाते हैं और उसकी हेल्प से हम डेटा को रीड करेंगे, फाइन। तो यहाँ पे हमारा एफ क्या है, फाइल हैंडल है, ओपन माई फाइल, ओके, आपकी फाइल का नाम क्या था, माई फाइल है, हाँ ओके, माई फाइल डॉट एक्सटेंशन डेट। अब आप देखो किस मोड में ओपन करोगे, आप इसको रीड मोड में ओपन करोगे, आरबी बी फोर बाइनरी, ओके। अब देखो जब रीड करते हैं तब हम किस में अपनी फाइल को रीड करते हैं, हम अपनी फाइल को ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर रीड करते हैं, क्यों, क्योंकि जब आप की फाइल का लास्ट करेक्टर रीड होता है तब एंड ऑफ फाइल एरर आ जाता है, तो उस एरर को हैंडल करने के लिए हम ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर अपनी फाइल का डेटा रीड कराते हैं, फाइन। अब यहाँ पे अगेन जैसे आपने राइट करने के लिए लूप चलाया था वैसे ही आप रीड करने के लिए भी लूप चलाओगे, वाइल ट्रू, ओके, वाइल ट्रू। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, डेटा ले लिया है एक वेरिएबल जिसके अंदर मैं रीड करके अपना पूरा डेटा स्टोर करा रही हूँ, पिकल डॉट लोड। आप अपने वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हो, फाइन, डेटा लो या फिर आप रिकॉर्ड लो, जो भी आप लेना चाहते हो आप अपने वेरिएबल का नेम वो ले सकते हो। तो पिकल डॉट लोड एफ, तो मेरा जो भी आप यहाँ पे लोड फंक्शन क्या कर रहा है, आपकी फाइल को कम्प्लीटली रीड कर रहा है, और रीड करने के बाद कहाँ पे जाके डेटा स्टोर हो रहा है, डेटा वेरिएबल के अंदर, फाइन। और यहाँ पे आपने अपने डेटा को प्रिंट करा दिया, सिंपल, आपने डेटा को क्या किया है, प्रिंट करा दिया है, फाइन। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा हमने प्रिंट करा दिया, मैं यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक ले लेती हूँ, एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आप ले दो एफ डॉट क्लोज, आप अपनी फाइल को यहाँ पे क्लोज कर दो, फाइन। एंड देन यहाँ पे हम किसको कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे हम रीड फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, फाइन। अभी देखो आपने क्या किया, फाइल को राइट कराया है और रीड करा रहे हैं, तो इन दो फंक्शन को पहले हम क्या करते हैं, इसका रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर डेटा को सर्च करेंगे, ओके। यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे हम अपने कोड को, ओके, इट विल टेक सम टाइम हियर, ओके। तो यहाँ पे हमारा आ गया फर्स्ट एंटर रोल नंबर, तो मैंने यहाँ पे रोल नंबर 1 दे दिया, फाइन। नेम मैंने दे दिया दीप्ति, ओके, मार्क्स 80। देन अब देखो ये पूछ रहा है वॉन्ट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, मैंने येस कर दिया यहाँ पर, ओके, एंटर रोल नंबर 2। नेम मैंने दे दिया नेहा, ओके, मार्क्स मैंने दे दिए 80 और अगेन 80, तो मैंने मार्क्स दे दिए 60, ओके। लेट अस एंटर वन मोर रिकॉर्ड, यहाँ पे फिर से हम वाई दे देते हैं, यस, ओके, रोल नंबर 3, फाइन। नेम हम दे देते हैं रोहन, ओके, एंड मार्क्स हम दे देते हैं 75, ओके। अब देखो अब ये पूछे वॉन्ट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे हम कर देते हैं नो, फाइन, हमने कर दिया नो। तो अब देखो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड रीड होके आ गया इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट आ गया है, ये आपकी फर्स्ट लिस्ट, ये आपकी सेकेंड लिस्ट, ओके, एंड दिस इज योर थर्ड लिस्ट, ओके। तो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट आपका क्या है, रिकॉर्ड रीड होके आ गया है, फाइन। अब हम क्या करेंगे, हमने डेटा क्या किया, राइट कराया है, रीड कराया है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट करेंगे अपना, वो है सर्च करना। तो सर्च के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे डेफ सर्च, ओके, या ERCH सर्च नेम से मैंने बना लिया है, ओके, एंड अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सर्च करती हूँ रोल नंबर के अकॉर्डिंग, मुझे नेम सर्च करना है या मार्क्स सर्च करने हैं तो वो मैं देखती हूँ, ओके, रोल नंबर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो रोल नंबर क्या करेंगे, हम यूज़र से इनपुट कराते हैं कि कौन सा रोल नंबर आपको सर्च करना है, तो मैंने यहाँ पे किया इनपुट एंटर रोल नंबर, उस
बीटा यू वॉन्ट टू सर्च, ओके। तो ये हम यूजर से इनपुट कराएंगे रोल नंबर को, ठीक है, जिसका डेटा हम क्या करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, फाइन। अब देखो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ फाउंड, और इसकी वैल्यू मैं ले लेती हूँ 0, ओके। ये मैंने इसलिए लिया है कि जब मेरे को मुझे डेटा मिल जाएगा, सर्च मिल जाएगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपने लूप को टर्मिनेट करने के लिए फाउंड की वैल्यू 1 कर सकती हूँ, फाइन। अब यहाँ पे हम करेंगे अपनी फाइल को ओपन, ओपन माई फाइल डॉट डेट, राइट। और अब हम इसको आरबी प्लस मोड में ओपन करेंगे, फाइन। आरबी प्लस मोड में, वैसे तो आप आरबी प्लस मोड में करते हो तो आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो डेटा, फाइन। और सिंपल आप रीड मोड में भी इसको ओपन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ट्राई ब्लॉक में हम रीड करेंगे वाइल ट्रू, ओके। तो आपका लूप कब तक चलेगा, एंड ऑफ द फाइल तक चलेगा, ओके। एंड यहाँ पे हमने ले लिया, मान लो यहाँ पे हमने ले लिया रिकॉर्ड पिकल डॉट लोड एफ, तो आपका जो आर ई सी वेरिएबल है, ठीक है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड ले लो या फिर कोई भी वेरिएबल नेम आप यहाँ पे ले सकते हो, तो उसके अंदर क्या चला गया, उसके अंदर आपका फाइल रीड होके चली गई है, ओके। इसके अंदर आपकी फाइल रीड होके चली गई है। अब आपको क्या करना है, हमें सर्च करना है, तो हम क्या करते हैं, इफ रिकॉर्ड का जो क्या है यहाँ पे इंडेक्स, जो रिकॉर्ड का जीरो इंडेक्स है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, आपने जो रोल नंबर पास किया है अगर उसके इक्वल है, ठीक है। रिकॉर्ड का इंडेक्स किसके इक्वल है, जो रोल नंबर आपने पास किया। देखो यहाँ पे किस फॉर्म में आपके पास डेटा आया है, आपके पास लिस्ट फॉर्म में डेटा आया है, तो ये लिस्ट का जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है, ये लिस्ट की 1 इंडेक्स पे वैल्यू है, और ये लिस्ट की 2 इंडेक्स पे वैल्यू है, ठीक है। ऐसे ही ये भी 0 इंडेक्स, देन 1 इंडेक्स, एंड दिस इज 2 इंडेक्स, फाइन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इफ रिकॉर्ड के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, जो रोल नंबर आपने एंटर कराया है। अगर आपने जो नंबर एंटर, रोल नंबर एंटर कराया है, वो एक इसके इक्वल है आइट्रेशन में। देखो पहले कहाँ पे जाएगा, आपके फर्स्ट, आप जब आइट्रेशन होगी, आइट्रेशन मतलब जब लूप चलेगा, वाइल लूप चलेगा, तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड को ये रीड करेगा, देन सेकंड रिकॉर्ड को रीड करेगा, देन थर्ड रिकॉर्ड को रीड करेगा। तो हम यहाँ पे हमने इफ़ कंडीशन लगा दी कि मान लो ये रोल नंबर 2 को रीड कर रहा है, ओके, और हमारा भी रोल नंबर 2 है जो हमने पास किया सर्च करने के लिए। तो अगर ये केस है कि रोल नंबर 2 के आइट्रेशन पे है, वो रोल नंबर 2 को रीड कर रहा है, और रोल नंबर 2 ही हमने पास किया है, तो इस टाइम पे अगर ये कंडीशन है तो प्रिंट कर दे, प्रिंट क्या कर दे, प्रिंट कर दे रिकॉर्ड का 1 इंडेक्स का डेटा, ओके, फाइन, रिकॉर्ड का 1 इंडेक्स का डेटा, एंड प्रिंट कर दे रिकॉर्ड का 2 इंडेक्स का डेटा, फाइन। रिकॉर्ड के 1 इंडेक्स का डेटा रीड कर दे, और रिकॉर्ड के 2 इंडेक्स का डेटा वो रीड कर दे। हम यहाँ पे स्लैश एन भी लगा सकते हैं, ओके, यहाँ पे मैंने लगा दिया स्लैश एन, फाइन, ओके। अब यहाँ पे अगर डेटा मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, फाउंड वेरिएबल की वैल्यू कर देंगे 1, ओके, अगर आपका मिल जाता है, और इसको कर देंगे अपने लूप को ब्रेक, फाइन, लूप को ब्रेक कर देंगे अगर हमें डेटा मिल जाता है। अब हम अपना एक्सेप्ट ब्लॉक लगा देते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन भी आप लिख सकते हो, EXCEPTION। जब आप एक्सेप्ट एक्सेप्शन लिखते हो तो आपके जितने भी एरर्स हैं, ओके, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं, फाइन। एफ डॉट क्लोज, आपने फाइल को यहाँ क्लोज कर दिया, ओके। अब यहाँ पे देखो हम एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ फाउंड किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, इन केस अगर आपका डेटा सर्च होके आता ही नहीं है, उसमें प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए
no such record found. Okay, and in the end हमने क्या किया, हमने किया search function को call. अब देखो यहाँ पे जो ऊपर है हमारा ये write function, इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं comment बना लेती हूँ जिससे क्या हो ये अब दोबारा से execute ना हो, नहीं तो वो फिर से data मांगेगा. फाइन, जो हमारा प्रीवियस डेटा है उसी के अंदर हम वैल्यू को सर्च कर लेंगे. और रीड फंक्शन को चलो मैं रहने देती हूँ जिससे हमें पता एक बार फिर से रीड होके आ जाएगा प्रीवियस डेटा. ओके, एंड देन वी विल सर्च आर डेटा. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस अपने इसको एग्जीक्यूट करते हैं. फाइन, तो यहाँ पे देखो हमारा रिकॉर्ड आ गया रीड होके. फाइन, देखो रिकॉर्ड रिटन इन द फाइल, ये आपका रिकॉर्ड रीड होके आया हुआ है. ओके, अब क्या है, एंटर रोल नंबर हुज डेटा यू वॉन्ट टू सर्च. राइट, अब आपको वो रोल नंबर एंटर करना है जिसका डेटा आप सर्च करना चाहते हो. तो लेट अस सपोज मैं 2 का डेटा सर्च करना चाहती हूँ. फाइन, तो यहाँ पे देखो मेरा नेम आ गया है नेहा, जब मैंने रोल नंबर 2 डाला तो नेहा आ गया और मेरे मार्क्स आ गए. फाइन, देखो यहाँ पे नेहा नेम आ गया है और आपके मार्क्स आ गए हैं, रोल नंबर 2 का डेटा आपका सर्च होके आ गया है. ओके, नेहा एंड मार्क्स. ओके,